आदिवासी प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का अपमान हो चुका है। उनके साथ ही साथ प्रबल प्रताप जुदेव जी और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी आगमन हो गया है। साथ ही साथ में श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर हम सब के बीच में समय के अभाव को देखते हुए सभी प्रमुख जन समय के अभाव को देखते हुए भारत माता की महादेव पार्वती की वह है। सब लोग ताली बजाकर एक बार स्वागत कर दीजिए। पहली बार आगमन हो रहा है परम सत्य मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित मंच। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे यहाँ आपका आगमन हुआ। माननीय थोड़ा ऊपर करो विष्णुदेव साय जी जो जनजाति समाज के गौरव हैं, आदिवासी समाज के मसीहा हैं और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैं दो शब्द कहने के लिए उनको बोले भारत माता की। भारत माता की छत्तीसगढ़ माँ तारी की। छत्तीसगढ़ माँ तारी की। हिंदू राव समाज की। हिंदू राव समाज की। कर्मा महोत्सव की। कर्मा महोत्सव की। आज ले लूंगा जो परम पूज्य गहरा गुरु महाराज के जन्मस्थलीय कर्मस्थलीय और आज हिंदू राव समाज द्वारा आयोजित आज के कर्मा महोत्सव में बड़ा सौभाग्य की बात कि हम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामदास जायसवाल जी को यहाँ उपस्थित है। हमारा इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, हमारे राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप जी, सम्मानित प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, श्री सत्यानंद राठिया जी, श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और राजतंत्र में इस समाज के वहाँ राज रही से राजा नहीं रोहतासगढ़ में आज भी वहाँ पुराना गढ़ बन के अवशेष है। तो ऐसा एक गौरवशाली समाज और उनके कर्मा महोत्सव मैं पूरे समाज के बंधु मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और ये कर्मा महोत्सव विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे वनवासी क्षेत्र में हमारे पुरानी ये संस्कृति है। हमारे पुरखा मैंने डगर देखा के गई ने कर्मा कई तरह के कर्मा होते अगर हमारा बता के गई ने एला हमारा छोड़ना नहीं है। यही में हमारे समाज के भलाई है। यही में हमारे समाज के एक योग्यता है। आज जमाना बदलत है। हमारे बेटा बेटी सब पढ़त लिखत जात है लेकिन हमारे पुराना संस्कृति ला भी हमारा जिंदा रखना है, हमारा कायम रखना है। क्योंकि समय के अभाव है मैं तो आप मन के बीच के हूँ। आप 20 साल मोला आशीर्वाद बना के सांसद बना के भेजे रहा और आज आप मन के आशीर्वाद से ही आज छत्तीसगढ़ के राज के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में आप मन के आशीर्वाद से ही दायित्व तो संभालेंगे मौका मिली से। आप मन मोदी के गारंटी में विश्वास करके ये प्रदेश में सरकार बनाओ तो हमन भी हमारे सरकार आप मन के सरकार भी मोदी के गारंटी ला जल्दी जल्दी पूरा कर से। आप सब ला मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से 8 लाख
40,000 से ज्यादा की स्वीकृति हमारे नरेंद्र मोदी जी और हम तो 14 दिसंबर 2023 के ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। 3100 रूपए एक मुंश देह के काम आप बन के भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी और 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देह के काम ये सरकार करी। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मन के हमन मातारी बंदन योजना में हर महीना 1,000 रूपया देह के काम करत है। आज तेंदू पत्ता के कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक पूरा करे हैं। रामलला दर्शन योजना वो शुरू हो गए है। पीएससी घोटाला के जांच सीबीआई करत है। आज विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति मन के विकास पर हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना जो बंद होगी से ओके भी चालू शीघ्र होगी होकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और एक बास्केटबॉल ग्राउंड के भी मांग होते ओकर लिए भी मैं 20 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ। और मैं समाज का और रवि भगत लाशो करत हूँ की आप और भी छोटा मोटा काम है वो काम ला भी आने वाला समय में फिर से कर दो। मैं फिर से समाज के और सभी उपस्थित जन ला गरमा महोत्सव के बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए और आज गरमा में कार्यक्रम में हमला बुलाओ ओकर लिए भी आप मतलब धन्यवाद देते हुए और आगे भी आप मन के मार्गदर्शन आशीर्वाद हमला हमारे सरकार ला मिलते रहे यही अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, जयरा गुरु महाराज की। बहुत बहुत माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के भाषण के पश्चात मैं हमारे धर्म संस्कृति के लिए गुरुदेव जी के नक्शे कदम पर चलते हुए संस्कृति का संरक्षण करते हैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त मंच में पधारे अतिथियों का धन्यवाद और समस्त उड़ाव समाज के और लेलुंगा के विभिन्न समाज के बंधुओं का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। यहाँ से इस मंचीय कार्यक्रम को हेलो हाँ जितने भी साथियों का अपना सांगठनिक या सामाजिक या व्यक्तिगत जो भी आवेदन प्राप्त था वो सभी आवेदन को हमारे इस मंच के माध्यम से